चैप्टर 4 मिसलिनियस था। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया है और हमें प्रूफ करना है ए जॉइंट ऑफ ए था इनवर्स इज इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ए जॉइंट ऑफ ए इनवर्स आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ए जॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ ए था इनवर्स, पूरे था इनवर्स इक्वल टू सिर्फ ए था इनवर्स, तो हमें और ए इनवर्स था इनवर्स इक्वल टू ए, ये दोनों हमें प्रूफ करना है। तो इसे देखते हैं हमें समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले हमें ए जॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा और ए इनवर्स भी निकालना ही पड़ेगा, तो पहले हम वो दोनों काम कर लेते हैं। तो ए हमें दिया है, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं फट से, तुरंत निकालते हैं। 1 × 15 - 1 प्लस 2 × -10 - 1 प्लस 1 × -2 - 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 14 - 22 - 5 = -13 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग उसका एडजॉइंट डिटरमिनेंट तो हमारे पास निकल गया, अब एडजॉइंट निकालते हैं फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे, तो एडजॉइंट भी आ जाएगा इन्वर्स भी आ जाएगा, हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ए पहले हमें दो फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो a11 हमारे पास क्या होता है, a11 इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ये पूरा रो छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, तो 5 × 3 = 15 - 1 = 14। a12 वैसे ही हमारे पास क्या आ जाता है 11, a13 हमारे पास क्या आ जाता है -5, a21 हमारे पास क्या आ जाता है 11, a22 हमारे पास आ जाता है 4, a23 हमारे पास आ जाता है -3, a31 -5, a32 -3 और a33 -1। ठीक है, कैसे आया था आप समझ, टू फैक्टर निकालना तो आप तो पता है, a33 के लिए ये पूरा रो छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, दें दे 3 - 4। ठीक है, तो 3 - 4 - 1 हमारे पास आ गया। तो अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए लिख सकते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे क्या हो जाएगा 14 - 11 - 5 - 11 - 4 - 3 - 5 - 3 - 1, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब ए इनवर्स निकालते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, ये हमें पता है, तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है -13, तो 1/13 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 14 - 11 - 5 - 11 - 4 - 3 - 5 - 3 - 1, ये हमारे पास आ गया। क्या आ गया, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी अब हमारे पास है, ए इनवर्स भी अब हमारे पास है, ए इनवर्स तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, माइनस तो अंदर लेते जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/13 - 14 - 11 - 5 - 11 - 4 - 3 - 5 - 3 - 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ए इनवर्स भी आ गया और ए जॉइंट ऑफ ए भी आ गया, अब इस दोनों को हम लोग यूज करेंगे आधे। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग आधे यूज करने वाले हैं, तो मैं अब पहला पार्ट बनाना सॉल्व करता हूँ इस दोनों, ये दोनों रिजल्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, इस दोनों रिजल्ट मैं यूज करूँगा आधे। तो पहला पार्ट अब मैं सॉल्व करता हूँ, तो पहला पार्ट क्या दिया है हमें, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए था हमें एडजॉइंट ऑफ ए था इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए था, हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था 14 - 11 - 5 - 11 - 4 - 3 - 5 - 1 - 1, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए था। उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आया था 14 × -4 - 9 -11 × -11 - 15 - 5 × -3 + 20, तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 14 × -13 - 11 × -26 - 5 × -13। तो अब एडजॉइंट ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -182 + 286 + 65 = 169, ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम लोग देखिए, अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए था इनवर्स निकाल लेता, कैसे निकाल पाएंगे हम लोग 1/determinant of adjoint of a, ठीक है, into adjoint of a, यही ऐसे ही हम लोग निकाल पाएंगे ना, और हमें निकालना तो है एडजॉइंट ऑफ ए था इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए था इनवर्स कैसे निकलेगा 1/determinant of adjoint of a into adjoint of a, तो adjoint of a हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी हम adjoint of a तो है, इसका फिर से adjoint निकलेगा एक बार और, तो ये तो एक बार और कैसे निकालेंगे हम लोग, दो फैक्टर निकालेंगे, इसके अलावा रो वन मतलब a11 रहेगा, तो a11 में पूरा ये रो वन छोड़ देंगे, रो कॉलम छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो a12 ऐसे निकालिएगा आप, तो adjoint of a
एडजॉइंट ऑफ ये हमारे पास पहले से, एडजॉइंट ऑफ ये हमारे पास पहले से परजेंट है। इस्ता भी हमें एडजॉइंट लेना पड़ेगा, इस्ता फिर से एडजॉइंट लीजिए। तो रो वन तेलॉन ए वन वन तेलॉन ये देखिए माइनस फोर, ठीक है माइनस फोर और नाइन, माइनस नाइन, माइनस फोर और माइनस नाइन, माइनस थर्टीन हो जाएगा। तो माइनस थर्टीन सिमिलरली बात ले रहे थे, तो ट्वेंटी सिक्स माइनस थर्टीन, उसके बाद ट्वेंटी सिक्स माइनस थर्टी नाइन, माइनस थर्टीन, माइनस थर्टीन, माइनस थर्टीन, माइनस सिक्सटी फाइव, ठीक है। जब आप लोग एडजॉइंट ले लीजिएगा, इस एडजॉइंट ऑफ ये था फिर से एडजॉइंट ले लीजिएगा, तो हाँ ये ऐसा कुछ मैट्रिक्स आपके पास आएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लीजिए, तो फैक्टर तो आपको निकालने आता ही होगा, उसी के थ्रू होगा, ठीक है। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए था इनवर्स इक्वल टू हम लोग निकालेंगे वन बाई डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था, वन बाई वन सिक्सटी नाइन माइनस थर्टीन ट्वेंटी सिक्स, माइनस थर्टीन ट्वेंटी सिक्स, माइनस थर्टी नाइन, माइनस थर्टीन, माइनस थर्टीन, माइनस थर्टीन और सिक्सटी फाइव, ठीक है। तो थर्टीन मैं कॉमन ले रहा हूँ, थर्टीन मैं कॉमन ले रहा हूँ, किससे कॉमन ले रहा हूँ, पूरे से मैं कॉमन ले रहा हूँ, थर्टीन में पूरे से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आप क्या बचे था हमारे पास फिर, ठीक है हमारे पास क्या बचे था फिर, या फिर हम लोग ऐसे करते हैं, तो ये देखिए वन सिक्सटी नाइन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना थर्टीन इंटू थर्टीन, तो ए थर्टीन यही रहने देते हैं और ए थर्टीन से पूरे अंदर में डिवाइड कर देते हैं, हाँ डिवाइड कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा सिंप्लीफाई करने में। तो वन बाई थर्टीन और ए थर्टीन और था, तो उससे पूरे रो वन में, रो टू में और रो थ्री में डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस वन, क्योंकि हमें थर्टीन से डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस थर्टीन बाई थर्टीन माइनस वन बचेगा, यहाँ पर बचेगा टू, यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर टू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस वन माइनस वन और माइनस फाइव। हम लोग क्या कर रहे हैं, रो वन तो कर रहे हैं डिवाइड थर्टीन के साथ, रो टू तो डिवाइड कर रहे हैं थर्टीन के साथ, और ऐसा डिवाइड हम पार्टिकुलर नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पहली बार वन बाई वन सिक्सटी नाइन था, तो वन बाई वन सिक्सटी नाइन तो हम लोग लिख सकते हैं वन बाई थर्टीन इंटू थर्टीन, तो ए थर्टीन तो यहाँ था यहाँ रहने दिए और ए थर्टीन से पूरा अंदर डिवाइड कर दिए, ये हम लोग कर रहे हैं, ए थर्टीन से पूरा अंदर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया, ए इनवर्स हमारे पास आ गया ये। अब हम लोग आधे तरह से इस तो और सॉल्व करें, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए था होल इनवर्स, ये हमारे पास आ गया, ठीक है एडजॉइंट ऑफ ए था होल इनवर्स। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए था होल इनवर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स तो हमारे पास पहले से ही है, बस उसका एडजॉइंट ले लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स था होल इन, एडजॉइंट ऑफ ए था होल इनवर्स तो हमने निकाल लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स हमारे पास पहले से ही है, बस उसका एडजॉइंट ले लेना है। तो ए इनवर्स हमारे पास पहले से क्या है, ए इनवर्स हमारे पास पहले से है, ए इनवर्स हमारे पास पहले से, ए इनवर्स हमारे पास है वन बाई थर्टीन, तो थर्टीन मैं अंदर लेते चला जाता हूँ, तो वन बाई थर्टीन तो मैं अंदर ले लेता हूँ, तो माइनस फोर्टीन बाई थर्टीन, माइनस एलेवन बाई थर्टीन, फाइव बाई थर्टीन, माइनस एलेवन बाई थर्टीन, माइनस फोर बाई थर्टीन, थ्री बाई थर्टीन, फाइव बाई थर्टीन, थ्री बाई थर्टीन और वन बाई थर्टीन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स इक्वल टू दिस, ये हमारे पास आते हैं ए इनवर्स इक्वल टू दिस। अब हम लोग इसका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो इसका एडजॉइंट लेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देखिएगा, थोड़ा स्पेस लेगा पर आप अच्छे से देखिएगा, थोड़ा स्पेस लेगा, माइनस देखिए रो वन तेलॉन ए वन वन, तो ये पूरा रो छोड़ देंगे, ये पूरा कॉलम छोड़ देंगे, तो माइनस फोर बाई थर्टीन इंटू वन बाई थर्टीन, तो माइनस फोर बाई वन सिक्सटी नाइन, माइनस नाइन सिमिलरली थ्री इंटू थ्री नाइन बाई वन सिक्सटी नाइन, वैसे ही माइनस ऑफ माइनस एलेवन बाई वन सिक्सटी नाइन, माइनस फिफ्टीन बाई वन सिक्सटी नाइन, वैसे ही यहाँ पे आप देखिए माइनस थर्टी थ्री बाई वन सिक्सटी नाइन प्लस ट्वेंटी बाई वन सिक्सटी नाइन, ठीक है ये हमारे पास ए इनवर्स है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं ए टू वन तेलॉन, ये पूरा रो छोड़ देंगे, ये पूरा तॉलम छोड़ देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस ऑफ माइनस एलेवन बाई वन सिक्सटी नाइन, माइनस फिफ्टीन बाई वन सिक्सटी नाइन, माइनस फोर्टीन बाई वन सिक्सटी नाइन, माइनस ट्वेंटी फाइव बाई वन सिक्सटी नाइन, माइनस माइनस फोर्टी टू बाई वन सिक्सटी नाइन,
प्लस 55 बाई 169। और देखिए ए 31 देना, ये पूरा रो छोड़ देना, ये पूरा कॉलम छोड़ देना, इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई, इस तो इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस 33 बाई 169 प्लस 20 बाई 169 माइनस माइनस 42 बाई 169 प्लस 55 बाई 169 56 बाई 169 माइनस 121 बाई 169। ये हमारे पास आ गया क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया। अब इस तो और थोड़ा ब्रेक कर देते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू 169, क्या 169 जो सब में था वो हमने कॉमन ले लिया। अब माइनस 4 और माइनस 9, 169 नीचे में था, एलसीएम लेते कॉमन ले सकते हैं ना हम लोग। माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13, ठीक है, माइनस 11 माइनस 15 26, माइनस 26 और यहाँ पे माइनस 12 है तो प्लस 26 हो जाएगा। माइनस 33 प्लस 20 तो माइनस 13 हो जाएगा। माइनस 11 माइनस 15 तो 26, माइनस 26 और माइनस 12 है तो 26 आ गया। सिमिलरली ऐसी तरह माइनस 14 माइनस 25 तो माइनस 39, माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 और 56 माइनस 121 तो हमारे पास माइनस 65। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमारे पास आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अब हम लोग 13 देखिए 169 है तो 169 तो हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 13, 169 था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 169 था तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 13, तो ये 13 यही रह जाते हैं, ये तो अंदर लेते चले जाते हैं, तो 1 बाई 13 इक्वल टू देखिए अब डिवाइड करें दे पूरे में, तो बचे था माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5। ये हमारे पास बचा है, ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए था, होल इनवर्स भी आ चुका है और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये दोनों आ चुका है। अब आप बताइए ये दोनों सेम आया या नहीं आया, दोनों बिल्कुल सेम है तो अब हम लोग बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए था होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो ये देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए था होल इनवर्स, ये दोनों सेम ही आ गया हमारे पास, दोनों सेम है, यही आया था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए था होल इनवर्स भी और एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स दोनों यही आया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दोनों हमारे पास यही था 1 बाई 13 इंटू 1 बाई 13 इंटू माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया द एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स द होल इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट हमें ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए प्रूव करना है, तो ए इनवर्स तो हमें पहले से ही पता है कि हमारे पास क्या है, 1 बाई 13 माइनस 14 माइनस 11 5 माइनस 11 माइनस 4 3 और 5 3 और 1, ये हमारे पास था, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स ये हमने थोड़ी देर पहले निकाला था पहले पार्ट में, वो हमारे पास आया था 1 बाई 13 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5, ये हमारे पास आया था, तो इधर तो कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या आएगा हमारे पास, 1 बाई 13 था क्या, 1 बाई 13 था हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई 13 था हमारे पास क्यूब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा क्यूब, कैसे आ जाएगा आपके मन में ये आ रहा होगा, देखिए हमने जब ए इनवर्स लिखा था तो माइनस 14 बाई 13 माइनस 11 बाई 13 5 बाई 13 माइनस 11 बाई 13 माइनस 4 बाई 13 3 बाई 13 5 बाई 13 3 बाई 13 और 1 बाई 13, ऐसे भी तो हमने लिख दिया था ना ए इनवर्स, तो ये क्या है, ये हमारे पास है ए इनवर्स, ए इनवर्स तो ऐसे भी लिख दिया था, तो रो 1 से 1 बाई 3 हमने कॉमन लिया, रो 2 से 1 बाई 3 कॉमन लिया और रो 3 से 1 बाई 3 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 बाई 3 था क्यूब आ जाएगा कि नहीं आएगा। बचा हुआ टर्म तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, तो बचा हुआ टर्म था डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, ये वाले टर्म तो यहाँ पे ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है, ये वाला डिटर्मिनेंट तो इस डिटर्मिनेंट तो बचा हुआ टर्म तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इंटू है माइनस 14 इंटू माइनस 13 प्लस 11 इंटू माइनस 26 प्लस 5 इंटू माइनस 13 5 इंटू माइनस 13, ठीक है। तो इधर तो ये कन्फ्यूजन नहीं है, तो 1 बाई 13 का क्यूब इंटू माइनस ऑफ 169, ठीक है 169, जब आप तो इसको सॉल्व करिए तो 169 आएगा माइनस ऑफ 169,
ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/13। क्यों? क्योंकि ये तो हम लोग ले सकते हैं ना, ये तो हमारे पास है माइनस ऑफ 13 × 13, तो ये तो है ही, तो 2 13 तो पहले ही से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा। यहाँ पे क्यूब था तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा, तो सिर्फ 8 हम मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब हम लोग ए इनवर्स था, इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो 1/a इनवर्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है, माइनस ऑफ 1/13। यही हमारे पास डिटरमिनेंट था ना, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या था, माइनस 1/13, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस 1/13। ठीक है, इनटू हम लोग था एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है। ठीक है, तो वो थे 1/13 इनटू माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5। ठीक है, तो जब हम लोग 13 जब ये ऊपर चला जाए तो 13 कैंसिल, तो माइनस साइन है, तो ए इनवर्स का इनवर्स माइनस साइन अंदर चला जाएगा, तो बचे जाते हैं 1 −2 1 −2 3 1 1 1 5। तो ये हमारा आ गया ए इनवर्स का इनवर्स। और देखिए ए भी यही है, देखिए ए भी हमारे पास यही है, 1 − 1 1 − 1 2 1, ए भी हमारा यही है, तो ये ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए आ गया, क्योंकि ए इनवर्स का इनवर्स और ए इक्वल टू ए सेम ही है। ए मैट्रिक्स आप देख लीजिए, ए मैट्रिक्स का वही वैल्यू है, 1 − 1 1 − 2 1 1 − 2 1 2 − 2 3 1 − 2 3 1 1 1 5। ठीक है, तो ए इन ए इक्वल टू ए इनवर्स था इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया।